हार्ड हिटिंग डायलॉग्स। हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में बिहार की राजनीति बीजेपी की अग्नि परीक्षा ले सकती है। आइए हम इसे 5 पॉइंट में समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, बीजेपी के लिए बिहार का महत्व कम नहीं। आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार का महत्व कम नहीं आंका जा सकता। बीजेपी के लिए निश्चित रूप से बेहद अहम राज्य है, क्योंकि बिहार की लोकसभा सीटें प्रचंड बहुमत हासिल करने या कुछ सीटों से लक्ष्य चूकने का अंतर साबित हो सकती हैं। वर्तमान हालत को देखते हुए 2024 में RJD, JDU, कांग्रेस और कम्युनिस्ट का गठबंधन होने के आसार हैं। बता दें कि हिंदी पट्टी में बिहार अकेला ऐसा राज्य है जहां बीजेपी काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही है, जिसके पीछे कई कारण हैं। पहला, 2019 की तरह बीजेपी इस बार बिहार की सत्ता में नहीं है, ऐसे में उसे सरकारी मशीनरी का सहयोग नहीं मिलेगा। किसी भी राज्य की सत्ता में रहने वाली पार्टी को संसदीय चुनाव में इसका काफ़ी फायदा मिलता है। नंबर 2, जाति संवेदनशील राज्य है बिहार। अगर कोई सरकार का हिस्सा है तो लॉजिस्टिकल से लेकर सिविल और पुलिस प्रशासन सपोर्ट गुप्त तरीके से मिल जाता है। बीजेपी की वे बात अच्छी तरह जानती है और उसने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में 17 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2024 में बीजेपी ने सत्तारूढ़ JDU के साथ गठबंधन में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था। उस दौरान भगवा पार्टी ने लोक जनशक्ति पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के साथ मिलकर 31 सीटों पर जीत हासिल की थी। उस दौरान RJD और JDU ने एक साथ अपनी ताकत दिखाने की जगह अलग अलग चुनाव लड़ा था। ऐसे में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया था, जिसका बीजेपी को काफ़ी फायदा मिला था। दूसरा, इस बार सत्ता में बाहर होने के अलावा बीजेपी को JDU, RJD और कांग्रेस के सत्तारूढ़ गठबंधन के अलावा कम्युनिस्टों के संयुक्त हमले से जूझना होगा। बता दें, कम्युनिस्ट सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे हैं। कुल मिलाकर जाति संवेदनशील इस राज्य में इन राजनीतिक दलों का वोटिंग परसेंट 50% से ज़्यादा है। नंबर 3, 2015 में मिल चुकी है हार। राज्य में हुए पिछले चुनावों का गौर करें तो 2020 के विधानसभा चुनावों में RJD को 23.1% वोट मिले थे। इसके बाद JDU को 15.39% वोट और कांग्रेस को 9.48% वोट और कम्युनिस्ट पार्टियों को करीब 4% वोट हासिल हुए थे। भले ही JDU और RJD के साथ आने से ज़्यादातर न्यूट्रल वोटर्स के पक्ष में ना हो, लेकिन 19.5% वोट बैंक के साथ BJP और 5.66% वोट के साथ लोक जनशक्ति पार्टी के लिए पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय के इस दुर्जय गठबंधन का मुकाबला करना मुश्किल होगा। बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि जमीनी स्तर पर इस गठबंधन का मतलब क्या है, क्योंकि वह 2015 के बिहार विधानसभा चुनावों में करारी हार का सामना कर चुकी है। उस दौरान JDU और RJD ने पूरी तरह बीजेपी का सफाया कर दिया था। नंबर 4, बिहार में करिश्माई चेहरा नहीं। उन चुनावों में वोट शेयर के मामले में बीजेपी 24.4% सबसे आगे रही थी, लेकिन 243 विधानसभा सीटों में से उसे सिर्फ 53 पर ही जीत हासिल हुई थी। वहीं RJD, JDU और कांग्रेस गठबंधन ने मिलकर 178 सीटों पर कब्जा कर लिया था। बीजेपी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में इस तरह की तस्वीर से निश्चित रूप से खौफजदा होगी। तीसरा, बीजेपी के पास प्रधानमंत्री मोदी की पूर्ति करने के लिए बिहार में करिश्माई और आकर्षक चेहरा नहीं है। बिहार बीजेपी को उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया या राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया जैसे कद्दावर शख्स की कमी खलेगी। इन सभी नेताओं के पास पार्टी के अलावा अपना समर्थन आधार है, जिससे बीजेपी का प्रदर्शन बेहतरीन होता है। हालांकि बिहार में बीजेपी के पास इस तरह की कोई लग्जरी नहीं है। नंबर 5, बिहार की राजनीतिक जागरूकता ज़्यादा। सुशील मोदी राज्यसभा सांसद हैं, संजय पासवान LS हैं या पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जैसे संसद सदस्यों की अपनी उपयोगिता है, लेकिन उनका अपना कोई जनाधार नहीं है। बिहार के वोटर्स की राजनीतिक जागरूकता कई राज्यों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है। बिहार के वोटर्स राष्ट्रीय गौरव और हिंदुत्व के लिए खतरा जैसे अमूर्त मुद्दों से बेहद कम प्रभावित होते हैं, और धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण या बीजेपी का कोई भी प्रयास यहाँ वैसे नतीजे नहीं दे सकता जैसे कि पड़ोसी राज्यों में मिलने की उम्मीद है। बिहार में बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक भ्रष्टाचार का मुद्दा भी आने वाले चुनावों में खास माने नहीं रखता है, क्योंकि भ्रष्टाचार कार्ड पहले भी कई बार खेला जा चुका है। एजुकेशन, जॉब और आरक्षण जैसे मुद्दों के
जैसे बिहार के आम मुद्दों पर चर्चा ज़्यादा होने की उम्मीद है। इन तमाम बाधाओं के बीच बिहार की 35 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए बीजेपी के दावे को मसालेदार ऐलान के रूप में देखा जा रहा है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM, लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम पार्टी आदि छोटी जातिगत पार्टियों के साथ गठबंधन करके आगे बढ़ना ही एकमात्र रास्ता हो सकता है। हालांकि गठबंधन करने में बीजेपी को कितनी सफलता मिलती है और फिर गठबंधन से उसकी संभावनाओं पर क्या असर पड़ता है, इसका पता तो भविष्य में ही लगेगा। अभी तक बिहार में जीत हासिल करना बीजेपी के लिए कल्पना की तरह लग रहा है, लेकिन फिर भी बिहार की राजनीति अप्रत्याशित नतीजे देने के लिए जानी जाती है। चुनाव से पहले कहानी में नया मोड़ भी आ सकता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।